से क्यों निकाल दिया? पहले वो दादी वाले घर से, अब ये नानी वाले घर से। क्या हमारा कोई घर नहीं है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम है ना, हमारा घर होगा, सब ठीक हो जाएगा। जीजू ये सब कैसे, इस घर पे सील कैसे लग गया? बैंक वालों ने, वो कह रहे थे कि तहकीकात से पता चला है कि ये घर आधा अग्रवालों के नाम पर है, इसीलिए आकर कब्जा कर लिया उन्होंने। क्या हो रहा है सब? पापा वो ये हमारा घर नहीं है क्या? अब हमें क्या, रोड पे रहना पड़ेगा पापा? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक पापा सबके साथ है किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, बस यही दिन रह गया था हमारे देखने के लिए, एक खूनी करेगा हमारी हिफाजत। नहीं आई ना आर्या तेरे साथ? आरती भी कैसे, जिंदगी तबाह कर दी तूने तो उसकी, और अब कहता है कि पूरी परिवार की सुरक्षा करेगा। हाँ साहिल, तू देख रहा है ना हम सबकी हालत, और इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू और तेरी ये बीवी है। अब तू ही हमें इस मुसीबत से निकालेगा, बोल अब क्या करें हम? क्या आप लोगों ने सुना अग्रवाल हाउस के बारे में? कोई मिसेस अस्ताना नाम की औरत है, उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया। साथ में हम सबको न्योता दिया है कि आकर उनसे सौदे से और समझौते की बात करें। हाँ हाँ, तो फिर देख क्या रहे हैं हम सब? चलो चलो चलो, जो भी समझौता करना है करके खत्म करो। अरे यहाँ सड़क पर थोड़ी ना हम बस सकते हैं, एक छत तो चाहिए ना सर के ऊपर। चल चलो चलो चलो। एक मिनट मंजूला आंटी, माइंड ना करेगा, वहां जाने से पहले हमें बड़ी अम्मा को बेल पे छुड़वाना होगा। आखिर में घर की बड़ी है वो, जो भी फैसला होगा उन्हीं की रजामंदी से ही होगा। चीजू आप एक काम कीजिए, आप बेल का बंदोबस्त कीजिए, मैं सबको अग्रवाल हाउस लेके जाता हूँ। वैसे ये मिसेज अस्ताना, ये नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं है और ना ही पहचान में कोई आ रहा है मेरे दिमाग में। आप बेल का बंदोबस्त कीजिए, मैं सबको ले जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम करवाते हैं। बड़ी अम्मा की बेल का इंतजाम हम करते हैं, आप लोग सब चलिए। ये साड़ू साहब अभी तक आए क्यों नहीं बड़ी अम्मा को लेकर? इससे अच्छा होता कि हम ही चले गए होते। फोन लगाते हैं अभी उसे। दादी,
लीजिए आ गए। मुझे पांच चले गए थे। हम समझते हैं आपने जो किया वो क्यों किया। कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। हम भी तो देखें वो कौन औरत है जिसने हमारा घर खरीदने की जुर्रत की है। सब चलो अंदर। अंधेरा क्यों है यहाँ? कोई है? ओ हेलो मिसेस अस्थाना जी, कोई है? ना करेगा ऐसा लगता है कि अग्रवाल हाउस में घुसते ही डर के मारे दुबक कर बैठ गई होगी कहीं पर श्रीमती अस्थाना। मन ऐसे अंधेरे में कौन रहता है? स्वागत है हमारे घर में।
ये सिंदूरी, ये मंगलसूत्र, बेटा बेटा गुड्डू तो अपने दुश्मनों को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ देखने में बहुत मजा आता है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब इसलिए क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूं। मैंने और मेरे पति ने मिलकर ये घर खरीदा है। तो अब मिलना नहीं चाहेंगे आप मिस्टर अस्थाना से? ना करेगा, ये तो जिंदा है। हमारे बेटा, तुम जिंदा? अरे, चलो हमको, चलो। इसे बेटा बोलकर माँ और बेटे के रिश्ते का अपमान मत करो बिमला दीदी। तुम तो इसे मरने के लिए छोड़ आई थी। मैंने सुरक्षा दल भेजकर ढूंढवाया इसे। नदी किनारे बेहोश पड़ा था बेचारा। शायद भगवान को भी ये बात मालूम है कि तुम जालिमों से इसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए जान बचा ली उसने मेरे बेटे की। भाई के रिश्ते से वापस आता तो गले लगाता, लेकिन मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा तू।
अरे से शादी करके साले कमीने। अग्रवाल हाथ भी मत लगाना मेरे पति को। और आज के बाद कभी मुझे अपनी बेटी मत कहना। मर गई है तुम्हारी छोटा पैकेट, खूनी हो तुम साहिल अग्रवाल। ए आर्या, अरे भर आ गई है क्या तू? ये बड़ी अम्मा का नाजायज बेटा है। अरे इससे शादी करके तू अपनी ही माँ की जेठानी बन गई है। मेरे एक पति का खून कर ही चुके हो, पर अगर क्षितिज को एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी हूं मैं इनकी, जान दे दूंगी पर इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ए आर्या, अरे बोर आ गई है क्या तू? ये क्या नाप शनाप बके जा रही है? दो दिन नहीं हुए तेरे पति को मरे और तूने तूने दूसरी शादी कर ली और वो भी इस राक्षस के साथ। जिसने हमारा घर परिवार सब कुछ नष्ट कर दिया। अरे शर्म ना आई तुझे है? तू भूल गई ये बड़ी अम्मा का नाजायज बेटा है। इससे शादी करके तू अपनी ही माँ की जेठानी बन गई है। जेठानी बन गई है। जेठानी बन गई है। वाह रे आर्या, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे मर्दों को फंसा के शादी करना तो तेरे खून में है। को मरे दो दिन नहीं हुए और तूने दूसरी शादी कर ली। मेरे मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, खुद हैंडल कर लूंगी मैं। और प्राची और तुम सब ये मत भूलना कि तुम सब मेरे घर में खड़े। अब ये अग्रवाल हाउस नहीं, अस्थाना मैंशन है। और यहाँ के नए मालिक सिर्फ क्षितिज और आर्या अस्थाना है। सासू माँ, आपसे आशीर्वाद लेना तो भूल ही गया था। वैसे आपको सासू माँ बुलाऊं या छोटी भाभी? क्या करें, रिश्ता तो बन ही गया है तो निभाना भी पड़े। सासू माँ, अब गुस्सा थूक भी दीजिए,
और अपना लीजिए ना अपने इस दामाद को। इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं मैं, धीरे धीरे दिल में भी समा जाऊंगा।